नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खी पर। बिहार सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस गाड़ियों के किराए को किया निर्धारित। बिहार में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां हुई कैंसिल। लॉकडाउन में शादी के लिए वाहन पास पाने के लिए अब एक क्लिक में करें आवेदन। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। देश भर में 4000 के करीब पहुंचे कोरोना से मौत के आंकड़े। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। राज्य में अब वैसे लोग जो इस विकट माहौल में भी बीमारी के लिए जरूरी चीज हो, जैसे कि रेमडेसिविर, ऑक्सीजन या फिर अन्य दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अपने आवास में हाई लेवल मीटिंग के दौरान सभी जिलों के डीएम व एसपी को सख्त निर्देश दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अपने क्षेत्रों में वे ऐसे सभी दुकानदारों को चिन्हित करें जो रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं। साथ ही गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर बुधवार की इस बैठक में मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को तमाम अस्पतालों में मरीजों के एडमिशन, डिस्चार्ज, डेथ रिपोर्ट, ऑक्सीजन सप्लाई तथा अस्पतालों में बेड, डॉक्टर, नर्सों की उपलब्धता की जानकारी लेने का भी आदेश दिया है। लॉकडाउन में शादी के लिए वाहन पास पाने के लिए अब एक क्लिक में करें आवेदन। बिहार में लॉकडाउन लगने का आज दूसरा दिन है। ऐसे में काफी सख्ती के साथ जरूरी सेवा को छोड़कर तमाम निजी वाहनों के परिचालन पर भी रोक जारी है। ऐसे में उन लोगों को समस्याएं आ रही है जिनके यहाँ शादी है और गाड़ी की आवाजाही के लिए पास नहीं बना है। वहीं अब इस समस्या को लेकर पटना जिला प्रशासन ने ई पास को जारी किया है। इसके तहत अगर किसी को जरूरी काम से पटना जिले के अंदर या फिर दूसरे जिले में जाना है तो ई पास के लिए एक क्लिक पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए serviceonline.bih.gov.in के लिंक पर जाकर एक क्लिक में प्रशासन द्वारा जारी पास निर्गत हो जाएगा। इसके लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके तहत अपनी और रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने के लिए व अत्यंत जरूरी कारण से जिले के अंदर या दूसरे जिले या फिर दूसरे राज्य में जाने के लिए ई पास जारी किया जा सकता है। वहीं पटना डीएम ने इस संबंध में बताया है कि ई पास केवल दुल्हा दुल्हन व उनके घर वालों को ही जारी किया जाएगा। बिहार सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस गाड़ियों के लिए किराए को किया निर्धारित। राज्य में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों की मनमानियां भी बढ़ गई है। इसके तहत कई जगहों से मरीजों के परिजनों से चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की खबर है, लेकिन अब बिहार सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए सभी प्राइवेट एम्बुलेंस के किराए को तय कर दिया है, जिससे कि परिजनों को एम्बुलेंस चालकों को सरकार द्वारा निर्धारित भाड़ा ही देना होगा। इसके मुताबिक किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा को तय किया गया है। इसके लिए 50 किलोमीटर तक सामान्य छोटी कार के लिए 1500 रुपए, एसी छोटी कार के लिए 1700 रुपए, तो वहीं 14 से 22 सीटेड मैक्सी सिटी राइड विंगर टेम्पो ट्रैवलर के लिए 2500 रुपए व एसी वाले जाइलो, स्कॉर्पियो, क्वेलिस या ट्वेरा के लिए भी 2500 रुपए तय किए गए हैं। इसके साथ ही 50 किलोमीटर से अधिक दूरी जाने पर इन सभी में 18 से 25 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से लिए जाएंगे। साथ ही इन एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जरूरी दवा के अलावे प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद होंगे। लॉकडाउन में छूट देने के लिए संशोधन के साथ जारी हुआ नया गाइडलाइन। बिहार में बुधवार से जारी लॉकडाउन में पहले से कुछ छूट दिए गए थे, जिसके बाद छूट देने के मामले में कुछ अन्य विभागों और गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। इसके अनुसार राज्य में होटल को खोलने और वहां रुकने की इजाजत है, मगर लोगों को होटल के लॉबी या फिर रेस्टोरेंट की जगह रूम में ही खाना मंगाना होगा। इसे लेकर गृह विभाग ने बीते दिन इसका आदेश भी जारी किया है। इसके साथ ही खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालयों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जरूरी गतिविधियों से जुड़े दफ्तर को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। वहीं अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव या फिर विभागाध्यक्ष अपने जरूरी कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों को दफ्तर में बुला सकते हैं। इसके साथ ही गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय और उससे जुड़ी गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। बिजली बिल के ऑनलाइन पेमेंट करने पर मिलेगा डिस्काउंट। बिहार में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई विभागों द्वारा कॉन्टैक्ट लेस काम करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत बिजली विभाग ने भी नई व्यवस्था जारी की है। इसके अनुसार इस महीने कार्यालयों में जाकर स्पॉट बिलिंग नहीं होगी, बल्कि उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से विभाग द्वारा जारी नए नंबर 7666008833 पर मिस्ड कॉल देकर बिल से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं या फिर sbpdcl.co.in पर जाकर ऑनलाइन बिल देख सकते हैं। विशेष परिस्थिति में ही काउंटर को सुबह 7 से 11 बजे तक खोला जाएगा। इसके साथ ही बिल का ऑनलाइन पेमेंट करने पर उपभोक्ता को 1% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। पटना के 44 प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगा वैक्सीनेशन। राजधानी पटना में 18 से ऊपर वालों के लिए टीकाकरण अभियान चलाने में अभी और भी देरी लग सकती है। दरअसल पटना जिले के 101 सरकारी और 44 प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगाने का काम जारी था, मगर टीके की कमी और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले टीका से संबंधित नया गाइडलाइन को आधार मानते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पटना के 44 प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण बंद कर दिया है। वहीं इस दौरान सभी सरकारी अस्पताल में टीकाकरण का काम चल रहा है। इसके तहत 45 साल से अधिक उम्र के लोग अपने निकटवर्ती
सरकारी अस्पतालों में जाकर टीका लगवा सकते हैं। फिलहाल निजी अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि को लेकर मची अफरा तफरी को देखते हुए भी उन जगहों पर टीकाकरण नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अब सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद ही प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण शुरू हो पाएगा। बिहार में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां हुई कैंसिल। बिहार में सफलता के साथ लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार पुलिस ने सभी अफसरों और जवानों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। इस संबंध में एक आदेश बुधवार को ही एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने जारी किया है। इसके तहत अगले आदेश तक सभी अधिकारियों और कर्मियों को किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी। हालांकि सिर्फ विशेष परिस्थिति में केस के आधार पर ही कोई पुलिस कर्मी छुट्टी ले सकते हैं। इसके लिए पहले ही आवेदन देना होगा, जिसके बाद जाँच के बाद छुट्टी मिलेगी। इस संबंध में एडीजी मुख्यालय ने सभी रेंज के आईजी डीआईजी एसएसपी व एसपी को आदेश की कॉपी भेज दी है। बंगाल हिंसा को देखते हुए रेलवे ने बिहार आने वाली दो ट्रेनों को किया रद्द। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम घोषणा के बाद से ही जारी हिंसा के बाद पूर्व मध्य रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस क्रम में बंगाल से बिहार आने वाली दो पैसेंजर ट्रेन को भी अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रेलवे के आदेश के मुताबिक भागलपुर से अजीमगंज के बीच चल रही कटवा पैसेंजर और रामपुर हाट गया पैसेंजर अगले आदेश तक नहीं चलेगी। इस दौरान दोनों पैसेंजर ट्रेनें अप और डाउन दिशा में पूरी तरह रद्द रहेगी। इस ट्रेन के रद्द होने से भागलपुर समेत मुंगेर और लखीसराय जिले के लोकल यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस ट्रेन के रद्द होने से भागलपुर समेत मुंगेर और लखीसराय जिले के लोकल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। IIIT भागलपुर ने सिटी स्कैन के साइड इफेक्ट से बचाने के लिए जारी किया सॉफ्टवेयर। भागलपुर IIIT द्वारा तैयार कोविड डिडक्शन सॉफ्टवेयर सिटी स्कैन के साइड इफेक्ट से बचाने का दावा कर रही है, जिसके तहत मिली जानकारी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से तैयार सॉफ्टवेयर एक्सरे रिपोर्ट को देखकर एक सेकेंड में ही बता देगा कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या अन्य संक्रमण का शिकार हुआ है। हालांकि साल भर से इस तकनीक को अनुमति का इंतजार है। नतीजा, संक्रमित व्यक्ति 2 से 3 बार सिटी स्कैन करा रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर दीप गुलेरिया ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बार बार सिटी स्कैन करने से कैंसर तक के खतरे सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सलाह दी है कि मरीज बार बार सिटी स्कैन करवाने से बचे। उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर साधा निशाना। राज्य में महामारी के बीच भी राजनीतिक वार पलटवार जारी है, जहां एक तरफ बीते दिन नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसके खिलाफ बयान दिया था, वहीं अब जदयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने बीते दिन अपने बयान में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक बयानबाजी के बदले वे अपनी ऊर्जा कोरोना के खिलाफ जारी जंग में लगाए। आपको बता दें कि इससे पहले संजय जायसवाल ने राज्य की अपनी ही एनडीए सरकार पर निशाना साधा था। बुधवार को अपने फेसबुक पोस्ट में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि राज्यपाल की बैठक में उन्होंने ही शुक्रवार की शाम से सोमवार सुबह तक 62 घंटे का लॉकडाउन का प्रस्ताव दिया था, जब बिहार में 40,000 से कम एक्टिव केस थे। अब 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होने पर कोई और विकल्प नहीं था और सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। जमुई विधायक कर रही है जिला अस्पताल में सभी सुविधाओं को जुटाने की पहल। जमुई से भाजपा विधायक ने जमुई सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए सभी जरूरी सुविधा को बहाल करने के लिए पहल कर रही है। इसके तहत श्रेयसी सिंह ने सभी बंद पड़े वेंटिलेटर को जल्द शुरू करवाने के लिए ऑपरेटर की बहाली के लिए इंटरव्यू लेने के बाद अब जल्द ही उनका चयन करेंगी, जिसके बाद जमुई सदर अस्पताल में वेंटिलेटर शुरू हो जाएगा। आरटीपीसीआर की जांच की चर्चा करते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि जमुई सदर अस्पताल में 30 अप्रैल तक के सैंपल के सारे बैकलॉग क्लियर कर लिए गए हैं। अब पुनः आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे और रोगियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए कारगर उपाय किया जाएगा। इसके अलावा गर्मी से बचाने के लिए शेड का भी प्रबंध किया गया है। अब सीधे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे कोरोना मामले की सुनवाई। बिहार में कोरोना मामलों की संख्या रोज बरोज बढ़ती जा रही है और इस बीच पटना हाईकोर्ट भी बिगड़ते मामलों को गंभीरता से ले रहा है। इस दौरान कई जनहित याचिकाओं पर कोर्ट रोज सुनवाई भी कर रही है, मगर अब सीधे चीफ जस्टिस की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। इसके तहत पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ कोरोना मामलों की सुनवाई करेगी। बता दें कि इससे पूर्व जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। मंगलवार को लॉकडाउन लगाने के निर्णय पर भी कोर्ट ने सरकार पर लेट फैसला लेने पर नाराजगी जताई है। राज्य में पशुओं पर भी चढ़ा एक संक्रामक बीमारी का खतरा। बिहार में एक तरफ लोग कोरोना से त्रस्त है तो वही सरकार के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई है। सरकार ने कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पशुओं को लंफी जैसे संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके तहत पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट भेजा है और पशुओं के स्वास्थ्य और व्यवहार पर नजर रखने की बात कही है। आपातकालीन उपचार के लिए दवा के इंतजाम के साथ ही हेल्पलाइन नंबर 0612
2226049 को जारी किया गया है। दरअसल लंफी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पशुओं को संक्रमित कर देता है। इसके बाद संपर्क में आने वाले अन्य पशु भी चपेट में आते चले जाते हैं। गत वर्ष बिहार के अलावा असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब में भी लंफी फैली थी। इसके चपेट में आने से पशुओं की मौत की संभावना बढ़ जाती है। आईपीएल के लिए भारत आए इंग्लैंड के खिलाड़ी वापस लौटे अपने देश। आईपीएल 2021 पर कोरोना ग्रहण लगने के बाद इस सीजन के लिए खेलने वाले विदेशी खिलाड़ियों का वापस अपने देश लौटने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में बुधवार को इंग्लैंड के 11 में से 8 खिलाड़ी ब्रिटेन को लौट गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैम करन, टॉम करन, सैम बिलिंग्स, क्रिस वोक्स, मोइन अली, जोस बटलर, जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टा ब्रिटेन वापस लौट गए हैं। वहीं इंग्लैंड क्रिकेट टीम में सीमित ओवरों के कप्तान इयान मॉर्गन, डेविड मलान और क्रिस जॉर्डन के अगले 48 घंटों में भारत से निकलने की संभावना है। आपको बताते चले कि ब्रिटेन में कोरोना महामारी के कारण भारत को रेड लिस्ट में रखा गया है, जिस कारण से भारत से लौटने पर इन क्रिकेटरों को 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा भारत से आने पर 15 मई तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे वहां के क्रिकेटर के घर वापसी से पहले मालदीव या श्रीलंका में रुकने की संभावना है। देश भर में 4000 के करीब पहुंचे कोरोना से मौत के आंकड़े। देश भर में कोरोना वेब आक्रामक बन चुका है। बीते 24 घंटे में दूसरी बार 4 लाख के पार मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,12,618 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान पहली बार कुल 3,980 मरीजों की जान चली गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 3,29,213 मरीज बीमारी से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केस की संख्या देश में 35,66,398 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 14,836 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान कुल 11,726 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या कुल 1,13,479 हो चुकी है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 78.38% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार लॉकडाउन लगाने से आपके आसपास किस किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।